जनेशपाल सिंह। हाँ, किस न्यूज़ से हैं विभाग से? मैं सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन से जुड़ा हुआ एक। क्या मांग है? और हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन की जो गांव में खाद बीज का वितरण करती हैं उसके इंचार्ज, सोसाइटी इंचार्ज हैं, सचिव आंकिक सभी हैं, और सभी प्रदेश के आह्वान पर एक हमारी मांग है कि हम लोगों को छः छः महीने से, किसी का साल वैसे कि छः साल से, इवन देन दस का कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल से वेतन नहीं मिला है। और वेतन ना मिलने की वजह ये कि हम लोगों को बंधुआ मजदूर एक बना के रखा है, कमीशन बेस बना के रखा है, जो एक सरकार की एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को फेल करते हुए नई व्यवस्था के बना दिया गया है। इसलिए हम लोगों को वेतन मिलना तो बहुत दूर, परिवार भुखमरी के कगार पर है, और हम लोगों की मांग है कि नियमित वेतन दिया जाए। गवर्नमेंट की जो राजकीय कर्मचारी है उसके बाद हम लोगों को वेतन दिया जाए, और जो पेंडिंग वेतन है वो पूरा कराया जाए। अगर आप वेतन नहीं मिला तो हमारी आगे और जारी। और दूसरा एक और बोलो, दो राजेश बोलो यार। हाँ मंत्री, और बैनर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, यहाँ तो बैठ जाओ यार, इधर आ जाइए, बस आ जाओ बैनर, आ जाओ, चलो रोल रोल में थोड़ा जोर से बोलना। अच्छा जोर बोलो, क्या नाम भैया? राजेश कुमार गंगवार, महामंत्री सहकारी समिति कर्मचारी संघ शाखा जनपद बरेली। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जो है वेतन को लेके है, प्रांतीय आह्वान पे हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसमें मुख्य मांग जो है वो वेतन है। हमें नियमित वेतन मिलना चाहिए। इस समय हालात ये हैं कि 6-6 साल से हम लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और भुखमरी के कगार पे हैं हम लोग। विवशों के हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये कार्यक्रम किया है। 1 नवम्बर को विधानसभा का घेराव भी किया था, जहाँ प्रमुख सचिव सहकारिता ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन आज 13 तारीख होने जा रही है, आज तक कोई निराकरण उस समस्या का नहीं हुआ। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे आप लोग? मांगे पूरी नहीं होती तो उस दशा में जो है कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा, अगली रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मचारी यूनियन।